हाँ जी नमस्कार, मैं भी प्रकाश गोयल। आरवीपीटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम क्लास 12 की सब्जेक्ट इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी 12th क्लास के अंदर हमारा सिलेबस पैटर्न क्या है। एक्चुअली क्या है कि क्लास 12 के अंदर कोई भी डायरेक्ट ग्रामर नहीं है, जितनी भी ग्रामर है वो पूरी की पूरी ग्रामर आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे आपको लेटर बनाने के लिए देना, ठीक है, एप्लीकेशन लिखने के लिए देना, या रिपोर्ट वगैरह या आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए देना, तो ये सारी चीजें फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर में आती है। डायरेक्ट ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ऐसी कोई चीज आपके क्लास 12 के अंदर नहीं आती है। तो आपका जो टोटल कोर्स है वो तीन भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक पे जैसा कि मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर होती है, ठीक है, दूसरे में आपकी फर्स्ट बुक होती है और तीसरे में आपकी सेकेंड बुक होती है। ऐसे करके तीन पार्ट से मिलकर के आपका पूरा पेपर तैयार होता है, ठीक है। तो हम प्रारंभ में स्टार्टिंग में सबसे पहले आपकी एक बड़ी समस्या जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के होती है उस पर विचार करेंगे। अब इसमें क्या है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर में आपके सिलेबस के अंदर रिपोर्ट्स आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, स्पीच आते हैं, लेटर आते हैं, इसके अलावा आपके लिए इन्विटेशन है। एक्सेप्ट और डिक्लाइन, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो ये होती है कि एक स्टूडेंट के सामने होता है कि रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कुल मिलाकर के अपने कोर्स में 40 से 45 के करीब रिपोर्ट दे रखी होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर आर्टिकल्स अलग से दे रखे होते हैं 20 से लेकर के 30 के करीब, और इसके अलावा फिर स्पीच का भी यही है कि 20 से 30 के करीब स्पीच होती है, लेटर्स होते हैं बहुत सारे, एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो बच्चा इन सभी चीजों को याद कैसे करे। अब अगर मान लीजिए आप रिपोर्ट याद करते हैं, बड़ी मेहनत करके आपने 2 या 3 रिपोर्ट याद कर गई, ठीक है, 5 रिपोर्ट याद कर गई, 10 रिपोर्ट याद कर गई, तो उसके बाद और होगा क्या? अगर मान लीजिए उन 10 रिपोर्ट में से एग्जाम में वो नहीं दिखा है तो क्या करेंगे, ठीक है। समस्या ये खड़ी हो जाती है कि 45 रिपोर्ट कैसे याद की जाए, आर्टिकल्स है 20 से 30 आर्टिकल्स है वो कैसे याद किए जाए, स्पीच है 20 से 30 स्पीच है, लेटर है, इसके अलावा एप्लीकेशन है, वो सब कैसे याद किए जाए। सबसे पहली चीज आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी रटने का माध्यम नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि अंग्रेजी रटने का माध्यम नहीं है, इसके लिए आपको ये सीखना होगा इनको रटने की बजाय हम इनको बनाना सीखें। हमको ये पता चले कि एक्सेल में रिपोर्ट बनती कैसे है, ठीक है, आर्टिकल्स कैसे बनते हैं, स्पीच कैसे बनते हैं, लेटर कैसे बनते हैं, क्रम से ही अपने आप सारी चीजें बना सकते हैं और ये काम बहुत ही आसान है, याद करने से ज्यादा आसान है इनको बनाना। तो उसी संदर्भ में हम प्रारंभ करते हैं अपने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। हमें इसके लिए सबसे पहले सीखना होगा कि हमें हिंदी से इंग्लिश हम कैसे कर करते हैं। तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि हिंदी से वाक्य को कैसे हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टेंस। एक बेस है किसी का, यदि स्टूडेंट किसी को टेंस आते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक इसका उपयोग उसने नहीं किया, जब तक टेंस को उसने काम में नहीं लिया, वो सारे टेंस उसके बेकार है। बहुत पावरफुल चीज है, हमने केवल इसको सीखा है, अब तक सभी स्कूलों में केवल सिखाते हैं,
लिखा दिया, ठीक है बच्चों को रटा दिया, लेकिन वास्तविक इसका प्रयोग क्या है ये कभी किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है, सिखाया तो केवल एक ही चीज कि आप रिपोर्ट्स को रटिए, आप आर्टिकल्स को रटिए। जब ये रटनी है तो टेंस का सिखाएं, क्या जरूरत थी इनकी, ये बहुत पावरफुल चीज है। अगर हम इन टेंसों का उपयोग करें, ठीक है अगर हम इन टेंसों का उपयोग करें तो कोई भी चीज, रिपोर्ट, आर्टिकल, लेटर, एप्लीकेशन, क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें हम अपने आप बना सकते हैं। आगे टीचर है, टीचर कोई भी क्वेश्चन का आंसर देता है अंग्रेजी में बोल के देता है, ठीक है वो स्वयं उसका आंसर बना देता है। ऐसा क्या है उसके पास, स्टूडेंट के पास ऐसा क्या नहीं है कि वो बना नहीं पाता, उसके पास टेंस पावर है, उसने इसका यूज किया, उसने इसको काम में लिया, वही चीज हम आपको सिखाएंगे। बहुत आसान है, केवल दिखने में लगता है कि वास्तव में सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे लेटर एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, लेकिन जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में रटने से भी ज्यादा आसान होगा। कुल मिलाकर के बेसिक जानकारी से स्टार्ट करते हैं, टेंस जैसे कि तीन होते हैं आपने पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब इन तीन टेंसों के बारे में सभी को जानकारी है कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीन टेंस होते हैं। अब इन तीनों टेंसों को, यानी प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चार टेंस हैं, बेसिकली टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जिसको वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस जिसको कि भूतकाल बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसको कि भविष्यकाल बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें यह होता है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के तीन चार टेंस होते हैं, इनके आगे प्रेजेंट लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के भी ये चार रूप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के भी ये चार रूप होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब जब टीचर क्लास के अंदर, यानी इस प्रकार से तीनों टेंस हो गए, तीनों टेंसों के चार चार प्रकार हो गए, तो कुल मिलाकर के ये हो गए 12 टेंस। अब टीचर क्या करता है कि इन सारे टेंसों की एक बड़ी रूपरेखा तैयार करता है, बच्चों को लिखा देता है, इतना हैवी मैटर हो जाता है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि टेंसों में हो क्या रहा है। पूरा आधे से ज्यादा टाइम बच्चा अपने टेंसों को रटने में निकालता है, ठीक है टेंस अभी महत्वपूर्ण है, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे इन 12 टेंसों में कुल मिलाकर के 5-6 टेंस ऐसे हैं जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में काम में आते हैं। मैंने नहीं कहा कि बाकी के टेंस बेकार है, ठीक है टेंस सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम कोई चीज बनाते हैं, कोई लेटर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उनके लिए हमें मुख्य रूप से केवल 5-6 टेंसों की आवश्यकता होती है, और वही टेंस हमारे पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कर जाते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हमको बिल्कुल परफेक्ट होना है तो सभी टेंसों को याद करें, ठीक है किसी को बिना छोड़े सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां हमको ये चाहिए कि हमें सबसे पहले केवल ये चीजें बनाना सीखना है, उत्तर कैसे बनते हैं, लेटर कैसे बनते हैं, एप्लीकेशन कैसे बनते हैं, जब हमको बनाना भी आ जाएगा तो फिर हम रटने का काम नहीं करेंगे। तो देखें कि कितना आसान है, हम सबसे पहले उन्हीं टेंसों का अवलोकन करेंगे, उन्हीं टेंसों को पढ़ेंगे, ठीक है वो 5-6 टेंस जिनकी हमें ट्रांसलेशन में आवश्यकता होती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप इन टेंसों का उपयोग करके लेटर या एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और एक रिपोर्ट हम आपको बनवाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितना
इतना आसान थी वो रिपोर्ट जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे अंग्रेजी में लिख दी स्टूडेंट ने उतार ली, लेकिन उसको याद करा नहीं गया उसे, तो कितना आसानी से वो खुद भी बना सकता है उसे। तो इसीलिए इसकी ज्यादा रामायण लिखने की बजाय, इसको एक्सटेंड करने की बजाय हम इसके बेसिक चीजों को लिखें। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखिए हर चीज में दो चीजें होती हैं, एक तो क्या है कि क्योंकि लैंग्वेज इतनी बड़ी करा दी जाती है, ठीक है, स्टूडेंट को कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ खत्म करें इसे, तो हम केवल इसके बेसिक पॉइंट्स नहीं लिखने चलेंगे जो हमारे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में काम आते हैं, और उसी से हम आपको स्टार्ट कराएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट्स बनाना, आप देखेंगे कि कैसे कैसे ये 40 से 45 रिपोर्ट सीधे आपके हाथ में डलती है। आप केवल एक या दो रिपोर्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद सारी रिपोर्ट्स आप अपने आप बना सकते हैं, जैसे एक टीचर बनाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, कि कौन कौन से वो टेंस हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे रिपोर्ट्स में काम में आते हैं और कैसे रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। धन्यवाद।